I am going to tell about Island Cardata Part 11th Bio Class. Sun Cardata. Cardata जो शब्द है ये दो शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है. ग्रीक भाषा में कार्डा, कार्डा का अर्थ होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है छड़ना संरचना. अर्थात इस संघ के अंतर्गत वह जंतु आते हैं जिनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ जैसे निर्दंड भी करते हैं या नोटोफा उपस्थित होता है. यह इसकी मुख्य विशेषता कार्य का है. प्रदेश ऑफ नोटोफा. अन्य जो तीन मुख्य लक्षण है इसके कार्य का संघ के, पहला है प्रदेश ऑफ नोटोफा अर्थात मध्य पृष्ठ रेखा में छड़नुमा जो संरचना होती है हम लोगों जैसे मनुष्य में रेड की हड्डी हम लोग कहते हैं, यह जीवन की किसी न किसी अवस्था में छड़नुमा संरचना या नोटोकार्ड उपस्थित होता है. दूसरा प्रदेश ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उपस्थित. इसमें दो आते हैं, एक ब्रेन आता है हमारा मस्तिष्क और दूसरा मेरुस्पाइनल कार्ड के नाम से जाना जाता है. तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये उपस्थित होता है कार्डिका संघ के जंतु. तीसरे जो मुख्य विशेषता है कार्डिका संघ के, प्रदेश ऑफ फाइलेंजियल एपिक्स ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति. तो क्लोम दरार इनमें ग्रसनी क्लोम दरार पाए जाते हैं. तो तीन मुख्य लक्षण है संघ कार्डिका स्पेशल कैरेक्टर साथ फाइलम कार्डिका. और अन्य जो इसके कैरेक्टर्स हैं प्रदेश ऑफ वेंट्रल है, इसमें जो हृदय होता है ये अधर तल की ओर उपस्थित होता है. दूसरा एक देखिए पृष्ठ तल होता है पेट की तरफ और दूसरा डार्सल साइड कहा जाता है, दूसरा अधर तल वेंट्रल साइड. तो हर जो हृदय होता है वेंट्रल साइड में होता है. और अगला जो लक्षण है क्लोज्ड वैस्कुलर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम रुधिर पर संचरण तंत्र. ये जो है इनमें ये बंद होता है. बंद का अर्थ है कि जो रुधिर होता है इनका ये रुधिर वाहिनियों और केशिकाओं जैसे हम लोग जानते हैं धमनी शिराएं सब पाए जाते हैं रुधिर शरीर में बात आ जाता है. तो रुधिर वाहिनियां और केशिकाओं में जो है इनमें रुधिर बहता रहता है तो बंद पर संचरण तंत्र में पाया जाता है. और इनमें लाल कड़चाएं आरबीसी ये पाई जाती है. और लास्ट है पोस्ट एनल टेल पश्चकुहर पुछ जिसे हम लोग कहते हैं या पुछ की तरह संरचना रहती है हड्डी में नीचे की तरफ पाई जाती है. तो यह इनमें कार्डिका संघ के जंतुओं में पाई जाती है. तो इस संघ के तीन मुख्य लक्षण है बाकी वेंट्रल हार्ट क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आरबीसी पोस्ट एनल टेल ये सब सहायक. अब कार्डिका और नॉन कार्डिका में अंतर क्या है कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में कौन से अंतर है. इनमें कशेरुकी जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है जैसे कि अभी हम लोग इसमें पढ़े थे कि नोटोकार्ड जो साफ नोटोकार्ड रीढ़ की हड्डी से हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में वह उपस्थित होता है लेकिन नॉन कार्डिका में यह उपस्थित नहीं होता. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मध्य पृष्ठ की ओर पाया जाता है और नाड़वत होता है. इनमें क्या होता है मध्य अधर की तरफ पाया जाता है. यहाँ नालवत यहाँ कैसा होता है ठोस होता है या दो अंतर है. फिर फैरिंजियल की क्लिप्स ग्रसनी क्लोम दरार मछली देखते हैं आगे से क्लोम पाए जाते हैं उनके द्वारा ऐसी संक्रिया करते हैं. तो उस तरह फैरिंजियल की क्लिप्स जो है इसमें पाया जाता है कार्यक्रम में पूर्णांग कार्यक्रम में अब्सेंट होता है. हृदय जो है इनमें अधर तल की ओर पाया जाता है. अभी हम लोग वेंट्रल हार्ट पढ़े थे पेट की तरफ हृदय अधर तल की ओर पाया जाता है लेकिन इसमें पेट की तरफ पृष्ठ तल की ओर इसमें हृदय पाया जाता है. और इनमें
जो हीमोग्लोबिन होता है कार्डियक सेल के जंतुओं में या आरबीसी में घुला हुआ होता है, लेकिन नॉन कार्डियक में जो आरबीसी एवं अन्य श्वसन रंगा होते हैं ये किसमें घुले होते हैं, प्लाज्मा में घुले होते हैं। इस तरह ये कार्डियक और नॉन कार्डियक में मुख्य अंतर है। आज के वीडियो में बस इतना ही।